अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 11, विच इज अबाउट अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम मसाइल के बावजूद। ठीक है, जैसे कि हमारा टाइटल क्या है, जैसे हम बच्चों को बताएंगे उनको आइडिया हो जाएगा, मे बी हम किसी मसाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तमाम मसाइल के बावजूद। इसमें हो सकता है जो हमारा करैक्टर है उसे बहुत सारे मसाइल पेश आए हों, लेकिन उनके बावजूद उसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बच्चों को इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं बच्चों से वो रिकॉग्नाइज करवाएंगे और उनको उनसे पूछेंगे कि बेटा इस तस्वीर को देख कर आपके माइंड में क्या क्या आता है, आपके माइंड में कौन से वाक्यात आते हैं। इस यूनिट में सबसे पहले तस्वीर ये दी गई है, देखें यहाँ पे एक लड़की है, ठीक है, देखिए ऐसे लग रहा है वो खुले आसमान के नीचे है और पास में क्या सहरा है, क्योंकि पास में कोई भी घर नजर नहीं आ रहा और वो किसे देख रही है, वो सितारों को देख रही है, वो चांद को देख रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वो एक्साइटेड हो रही है इनको देखकर। जैसे हम अगली तस्वीर को देखते हैं, यहाँ पे एक रॉकेट बना हुआ है और यहाँ पर वही लड़की है जो कि क्या कर रही है, रॉकेट को देख रही है। तो मे बी वो जब चांद को देख रही हो, सितारों को देख रही हो, तो क्या एक रॉकेट या इंजीनियर बनने की विश कर रही हो। अब हम स्टोरी साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते जाएंगे। हम कोशिश करेंगे जब हमारा एक पैराग्राफ कम्प्लीट हो जाए हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चन करें उस पैराग्राफ के रिलेटेड, ताकि सब बच्चों की अटेंशन बनी रहे। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, रीडिंग करने से पहले यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम उसका आंसर देंगे। लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के उनवान को देखिए, ठीक है, अगेंस्ट ऑल ओड्स है जो कि। व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में, दिस फ्रेज मीन्स, आपके ख्याल में इस कलमे का क्या मतलब है, जो कहा जा रहा है ना अगेंस्ट ऑल ओड्स का क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है, आपको ये सुन के क्या समझ आती है। लुक एट द पिक्चर्स ऑन द टाइटल, तस्वीर को देखिए जो कि उनवान में दिए गए हैं, जैसे कि अभी हमने देखी हैं। प्रिडिक्ट, पेशन गोई करें आप, व्हाट द स्टोरी विल बी अबाउट, कि फिर आप बताएं या पेशन गोई करें कि ये कहानी किसके बारे में होगी। ठीक है, हम बच्चों से आप पूछ सकते हैं तो वो क्या कहेंगे। द फ्रेज, फ्रेज कौन सा था हमारा, अगेंस्ट ऑल ओड्स मीन टू सक्सीड डिस्पाइट फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स, कि इसका क्या मतलब है कि बहुत से मसाइल और मुश्किलात का सामना होने के बावजूद कामयाबी हासिल करना। द स्टोरी विल बी अबाउट अ गर्ल, कि ये स्टोरी में भी एक लड़की के बारे में हो सकती है। सक्सीडिंग अगेंस्ट ऑल ओड्स, कि वो तमाम जितनी भी थी उसकी मुश्किलात उसके बावजूद वो क्या हो जाती है, कामयाब हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ, याद रखने के अल्फाज हैं, ये सारे जो वर्ड्स हमारी स्टोरी से लिए गए हैं उनके मैंने उर्दू मीनिंग साथ में राइट कर दी हैं। इसको स्टोरी को पढ़ते हुए ये वर्ड्स आएंगे, हम उनको डिस्क्राइब तब करेंगे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हिबा रहमानी इज है एक रॉकेट इंजीनियर, हिबा रहमानी एक रॉकेट इंजीनियर है एट नासा, ठीक है, नासा की, कि हिबा रहमानी नासा में एक रॉकेट इंजीनियर है एंड और एक रोल मॉडल। रोल मॉडल किसे कहा जाता है, काबिले तकलीद, जिसे जिसकी पैरवी की जाए, ठीक है, रोल मॉडल है वो। टू लिटिल नन्नी गर्ल्स, लड़कियों के लिए, एंड बॉयज, लड़कों के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, कि वो पूरी दुनिया की नन्नी या छोटे लड़कों और लड़कियों के लिए काबिले तकलीद मिसाल है। नो मैटर नाउ हाउ, कितने ही डिसअपॉइंटिंग मायूस कुन थिंग्स, चीज़ें अपीयर, साबित हुई या नज़र आई, वाकया हुई एट टाइम्स, ठीक है, कि वक्त पर वक्त वक्त पर हालात कितने ही मायूस कुन क्यों नजर ना आए, ठीक है। दे हैव इट विद इन देमसेल्व्स टू डिफे एट ऑल ओड्स एंड गेन, उसने हासिल कर लिए सक्सेस, कामयाबी इन द सोसाइटी, मुआशरे में, कि इनमें जो कुव्वत मौजूद होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तमाम मसाइल से क्या होते हैं, मसाइल के बावजूद होने के बावजूद वो क्या करते हैं, कामयाबी हासिल कर लेते हैं और वो एक मुआशरे में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। हिबा सर्वाइव्ड द वार इन द गल्फ, कि हिबा जो खलीज की जंग से बचकर निकली है, लिव्ड एज अ रिफ्यूज, उसने क्या किया, पनाह ली है उसने, ठीक है, हिबा ने, इन द डेजर्ट सहरा में, कि इसने जो अपनी पनाह ली है वो सहरा में ली है, एंड और देन वेंट, फिर गई, ऑन टू द बिकम अ पार्ट ऑफ द नासा, और इसके बाद वो नासा का हिस्सा बन गई। द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेस एजेंसी, जो कि क्या है, दुनिया की, ठीक है, तहकीक के अदारे का हिस्सा बन गई है।
फिर जो फिर आगे चलकर दुनिया के सरकर्दा खलाई तहकीक अदारे का हिस्सा बन जाती है। अब इसका बता रहे हैं कि इससे बहुत सारे मसाइल पेश आए हैं, लेकिन जब वो आगे जाती है तो वो क्या करती है, तहकीकी अदारे का हिस्सा बनती है। और तहकीकी अदारा कौन सा होता है, खलाई तहलीक तहकीक का, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड बताएंगे कि बैकग्राउंड में इसके क्या क्या है, बैकग्राउंड बताएंगे हिबा का सारा। हिबा वास थी बॉर्न, पैदा हुई इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। हिबा पाकिस्तान में पैदा हुई, हर फैमिली इसके जो खानदान था, ठीक है, मूव्ड मुंतकिल हो गया टू कुवैत, कि इसका जो खानदान था कुवैत में मुंतकिल हो गया। वैन जब शी वास, वो थी बेरली बमुश्किल आ मंथ ओल्ड, कि वो एक माह की थी, इसकी उम्र बमुश्किल एक माह थी कि इसका खानदान कुवैत में मुंतकिल हो गया। शी इसने स्पेंड गुजारा अ पीसफुल पुरसकून चाइल्डहुड बचपन इन द अरेबियन गल्फ, कि इसने खलीज अरब में एक पुरसकून बचपन गुजारा। अनटिल वार ब्रोक आउट बिटवीन दरमियान इराक एंड द कुवैत इन द अर्ली 19th, कहा जा रहा है कि यहाँ तक के 1990 की दहाई के में क्या हुआ, इराक और कुवैत के दरमियान जंग छिड़ गई। ही हर इसकी फाउंडेस्ट मेमोरीज सुहानी यादें, इसकी सुहानी यादें वर ऑफ टेकिंग वॉक चहलकदमी करने पर विद के साथ, हर फैमिली अपने खानदान के साथ या अपने घर वालों के साथ। एट नाइट रात के वक्त एंड लुकिंग देखते हुए अप ऊपर एट द स्काई आसमान की तरफ टू एडमायर तारीफ की द मून चांद की एंड स्टार सितारों की। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसकी सबसे सुहानी यादें अपने घर वालों के साथ रात के वक्त चहलकदमी करने और सितारों के सहराने के लिए ऊपर आसमान को देख रही थी। शी उसने थॉट सोचा अबाउट के बारे में, एस्ट्रोनॉट्स खलाबाजों को कहा जाता है, सच एज नील आर्मस्ट्रांग हु हैव स्टेप, जिसने सबसे पहला कदम रखा ऑन द मून चांद पर। फिर कहा जा रहा है कि वो खलाबाजों के बारे में सोचती है, फिर वो सोचती है कि इसने क्या किया, सबसे पहले चांद पर कदम रखा है। इट वॉज अराउंड दिस टाइम डैट शी डिवेल्प्ड अ पैशन, कि उसमें शौक पैदा हो जाता है फार के लिए, साइंस के लिए, स्पेस खला के लिए एंड एस्ट्रोनॉमी और फल्कियात के बारे में, कि ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि उसके फल्कियात के बारे में शौक पैदा कर देती हैं। हाउएवर ताहम दोस मेमोरीज वो यादें केम टू एन एंड, ये इख्तिताम को पहुँचती हैं। वैन जब शी हैड टू एस्केप विद हर फैमिली टू द इराक, कि जब वो अपने घर वालों के साथ इराक, ठीक है, इराक जॉर्डन बॉर्डर के और उर्दन की सरहद की जानब भागना उसे पड़ता है। दे रीच्ड, वो पहुंचते हैं एट नाइट रात के वक्त एंड द कैंप वास आउट ऑफ द टेंट्स, वो रात के वक्त पहुंचे और कैंप में जो कैंप लगा हुआ था उसमें खेमे ख़त्म हो चुके थे। हर फैमिली इसके घर वालों को हैड टू स्पेंड गुजारना पड़ी द नाइट्स रातें अंडर के नीचे एंड ओपन स्काई खुले आसमान के नीचे इन द डेजर्ट सहरा में, जैसे हमें नज़र भी आ रहा है ना वैसे ही है कि रातें सहरा में खुले आसमान के नीचे गुजारना पड़ी। वाइल अगरचा डैट टाइम वो वक्त वास्ता फुल भरपूर ऑफ द सैडनेस गमों से एंड हार्डशिप तकलीफ़ों से फॉर हर इसके लिए एंड हर फैमिली इसके ख़ानदान के लिए या इसके घर वालों के लिए, अगरचा वो वक्त इसके और इसके ख़ानदान के लिए तकलीफ़ों और गमों से भरपूर था, इट ये वास्ता आल्सो बी द स्टार्ट आगाज था ऑफ समथिंग प्योर, कि लेकिन ये खालिस चीज़ का आगाज भी था। हर इसकी न्यू नई फाउंड जो दरियाफ्त थी लव फॉर द स्टार्स, ठीक है, कि इसकी सितारों के लिए इसकी नो दरियाफ्त की करदा मोहब्बत, मतलब सितारों के बारे में इसकी तब मोहब्बत उभरी थी जब खुले आसमान के नीचे उसने इतनी ज़्यादा रातें स्पेंड की, वो चांद को देखती, सितारों को देखती, तो उनके लिए उसके लिए मोहब्बत पैदा होती। जब वो सोचती कि इंसान चांद पर पहुँच चुका है तो वो ये सोचती कि वो भी किसी ना किसी दिन जरूर जाएगी। वॉचिंग देखते हुए द स्टार्स सितारों को फ्रॉम द कोल्ड सन डेजर्ट सहरा फ्लोर रिमाइंडेड, याद आगे हर इसकी ऑफ द गोल्स अहदाफ के, ये मकसद जिसे कहा जाता है कि इसका ये मकसद होगा, एंड ड्रीम्स ख्वाबों की शी हैड जो वो रखती थी, किस कहा जा रहा है कि सहरा की सर्द ज़मीन से सितारों को देखने से इसे वो अहदाफ और ख्वाब याद आ गए जो इसने देखे थे। After a brief stay in the Jordan, कहा जा रहा है कि उर्दन में मुख्तसर क्याम के बाद शी ट्रेवल्ड, वो मुंतकिल हो गई, इन्होंने सफ़र किया विद के साथ, हर मदर अपनी वालदा के साथ एंड सिस्टर और बहन के साथ टू पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, वाइल जबकि हर फादर वास इन द US। कहा जा रहा है कि उर्दन में मुख्तसर क्याम के बाद वो सफ़र करके अपनी माँ और बहन के साथ पाकिस्तान पहुँच गई, जबकि इसके अबू कहाँ पे थे, अमेरिका में ही थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड तालीमी पस मंज़र अब इसमें बताएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले वाइल्ड रीडिंग है, इसको देख लेते हैं। वाइल्ड रीडिंग पढ़ने के दौरान
Why was he was so fascinated? Fascinated का मीनिंग होता है मशहूर हो जाना, ठीक है, with stars and planets that she decided to become an astronaut, ठीक है, कि हिबा सितारों और सियारों से इतनी मशहूर क्यों थी कि इसने खलाबाज बनने का फैसला कर लिया. Watching the stars reminded Hiba of the goals and the dream she had. She wanted to achieve something big, so she decided to become an astronaut. कि उसने ये सारी चीज़ों को जब देखा, वो उनके बारे में सोचती थी, तो उसने क्या किया, अपना एक एम बना लिया कि वो खलाबाज बनेगी, ये उसने फैसला कर लिया. द गल्फ वार, जो खलीज की जंग थी, एंडेड, ख़त्म होगी बाय फरवरी 1991. अब इसमें कहा जा रहा है कि खलीज की जंग फरवरी 1991 में ख़त्म होगी. हिबा मूव्ड बैक टू कुवैत विद हर फैमिली. हिबा अपने ख़ानदान के साथ वापस कुवैत में मुंतकिल होगी. एंड डिसाइडेड, उसने फैसला कर लिया टू बिकम एन इंजीनियर, और उसने इंजीनियर बनने का फैसला कर लिया. आफ्टर कम्प्लीटिंग, मुकम्मल करने के बाद हाई स्कूल इन कुवैत, कुवैत में हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद शी मूव टू यूएस इन 1997 के वो उसके बाद कहाँ पे 1997 में वो अमेरिका में मुंतकिल होगी. एंड और कम्प्लीटेड हर बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द सेंट्रल फ्लोरिडा. फिर उसने यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की क्या किया, डिग्री मुकम्मल किया आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 2000. फिर इसमें इसी तरह 2000 में उसने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया वर्किंग काम फॉर बींग एज अ सिस्टम इंजीनियर फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसके बाद इसने क्या किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंजीनियर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. समटाइम्स बाज़ औकात एस्ट्रोनॉट्स खलाबाज वुड स्टॉप बाय द इधर व्यू और पार्टिसिपेट इन द टेस्टिंग. पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, टेस्टिंग आजमाइशी अमल को कहा जाता है. कि बाज़ औक़ात खलाबाज आजमाइशी अमल को देखने या इसमें हिस्सा लेने के लिए आते थे. हिबा सैड, हिबा कहते थे, इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम डेट आई डिवेल्प्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर. कि इन इस वक्त के दौरान कि जब इनको वो देखती थी तो क्या होता था, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, शदीद ख्वाहिश होती थी टू बिकम, को वो बनेगी एंड एस्ट्रोनॉट एंड स्टार्टेड, वो खलाबाज बनेगी एंड स्टार्टेड टेकिंग स्टेप, उसने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया टूवर्ड्स की जानिंग द गोल, अपने जो उसने मकसद था उनकी तरफ. इसमें कहा जा रहा है कि हिबा ने क्या कहा, इस वक्त के दौरान मेरे अंदर खलाबाज बनने की शदीद ख्वाहिश पैदा होगी और मैंने इस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए. कि वो जब भी देखती थी कि जो खलाबाज अपना आजमाइशी अमल के लिए आते और उसमें हिस्सा लेते, जब उनको देखती तो इसके अंदर भी एक शदीद ख्वाहिश पैदा होती कि ये भी खलाबाज बनेगी. दिस लीड हर टू कम्प्लीट अ मूव एडवांस्ड डिग्री. दिस टाइम इज अ मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड द फॉर्म जॉर्जिया टेक बिटवीन द 2002 एंड 2005. किसके नतीजे में इसने ज़्यादा ऊंची डिग्री मुकम्मल कर ली. इस फिर इस समय 2002 और 2005 के दरमियान जॉर्जिया टेक से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स उसने किए, इन सब में उसने मास्टर किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में. और इसमें करियर इन नासा, नासा में इसके करियर के बारे में पढ़ेंगे, इसने कैसे ही क्या बनी, ठीक है. इन 2008, इसी तरह 2008 में हिबा एक्सेप्टेड, हिबा ने कबूल कर लिया हर अपना करंट पोजीशन एट नासाज इंजीनियरिंग डेवलपमेंट. ये 2008 में हिबा ने नासा के इंजीनियरिंग के शोबे में अपना मौजूदा ओहदा कबूल कर लिया. शी प्रूव्ड, उसने साबित किया एक्सपर्ट ओपिनियन महाराणा राय ऑन टेक्निकल मैटर्स, तकनीकी मामलात में फॉलोअर्स लॉन्च ऑफ रॉकेट्स एंड परफॉर्म्स डेटा रिव्यूज़, ठीक है. अब उसने क्या किया कि वो तकनीकी मामलात में महाराणा राय देती है, रॉकेटों के लॉन्च के लिए किए जाने वाले अमल पर भी वो नगाह रखती है. शी आल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल रिव्यू ऑफ इंजीनियरिंग इश्यूज, इसी तरह वो इंजीनियरिंग के मसाइल का तकनीकी रिव्यू भी फ्राहम करती है. हिबा सेज, हिबा कहती है, द हैप्पीएस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट ऑफ माई जॉब, कि जो सबसे खुशी वाला लम्हा, जो पूर्व मुसरत और सबसे हैजान खेज लम्हा जो था मेरी ज़िंदगी का, इज़ हैड टू वॉच, देखना अ रॉकेट, एक रॉकेट टेक ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एंड गो इन टू द स्पेस. कि मेरे काम का सबसे पूर्व मुसरत और सबसे हैजान खेज लम्हा लॉन्च पैड से रॉकेट को लॉन्च होते और खला में जाते हुए देखना था. ऐसे हम भी जस्ट टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे इन चीज़ों को क्या हम देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं हम. इसी के बच्चों को इसलिए कि हम वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कैसे रॉकेट लॉन्च होता है ये सब, ताकि बच्चों में भी ये एक्साइटमेंट पैदा हो सके कि वो भी मे बी आगे आने वाले फ्यूचर में ये बनना चाहें, ठीक है. हर इसकी स्ट्रॉन्ग पैशन, जो इसका ये शदीद ख्वाहिश थी, शदीद जज्बा था उसका फॉर हर वर्क, उसके काम के लिए इस क्लियर था फ्रॉम हर वॉलंटरी पब्लिक अफेयर्स एक्टिविटीज़ इन टू इंस्पायर अदर्स.
कहा जा रहा है कि अपने काम के लिए इसका शदीद जज्बा दूसरों को तहरीक देने के लिए इसके अवामी अमूर में रजाकराना सरगर्मियों में वाजिया होता है। शी सेज उसने कहा आई लव टू इंस्पायर अदर्स कि दूसरों को तहरीक देना मैं पसंद करती हूँ। उसने कहा आई लव मुझे पसंद है टू इंस्पायर तहरीक देना अदर्स दूसरों को कि मैं दूसरों को मोटिवेट करना मुझे पसंद है। आई स्पीक टू स्टूडेंट्स कि मैं जो तालिबे इल्म होते हैं उनके साथ बोलती हूँ एट लोकल स्कूल्स अबाउट माई कैरियर एंड हैव वॉलंटियर्ड एज अ साइंस फेयर जज। फिर वो क्या कहती है कि मैं साइंसी मेलों में रजा कराना तौर पर मुनसिफ के तौर पर शामिल होती रहती हूँ, मतलब जज वगैरह में उनमें बनती हूँ और मैं सबको देखती हूँ। हर मैसेज इसने इससे पैगाम क्या मिलता है, इसने हमें पैगाम क्या दिया है, ठीक है। I have to opportunity to working with an amazing team कि मेरे पास मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं एक हैरानकुन टीम के साथ काम करूँ, ठीक है। Doing I love जो कि मुझे ये पसंद है, ठीक है, जिस काम में मैं मोहब्बत करती हूँ वो करते हुए मुझे एक हैरानकुन टीम के साथ काम करने को मिला। She says वो कहती है हर की क्या होगा की टू सक्सेस की कामयाबी की जो चाबी है क्लीद है किस तरह आप कामयाबी हासिल करेंगे इज डैट वो है कामयाबी की चाबी ये है टू सेट्स मूव वेरी हाई गोल्स कि आप अपने मकसद को क्या करें एक ऊंची परवान के साथ उसे मुकर्रर कर लें कि ये मैंने इसे अचीव करना है और हर हाल में मैंने इसे अचीव करना है। तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती जब आप एक रोल बना लें, आप एक मकसद पक्का कर लें कि मैंने इस ज़िंदगी में ये चीज़ करके रहनी है। जैसे कि हिबा ने क्या सितारों को देखा, चांद को देखा तो उसने ये कहा कि मैं ये ज़रूर बनूंगी, तो उसने क्या किया अपने ड्रीम को पूरा किया। द एक्सपीरियंस तजर्बे ऑफ माई लाइफ मेरी ज़िंदगी के हैव टॉट सिखाया उन्होंने मी मुझे टू ऑलवेज हमेशा ड्रीम के ख्वाब बिग देखो। कहती है कि मेरी ज़िंदगी के तजर्बों ने मुझे ये सिखाया कि हमेशा बड़े ख्वाब देखो, ठीक है, एंड और टू नेवर गिव अप कभी भी हार ना मानो बिकॉज क्योंकि यू कैन अचीव क्योंकि आप हासिल कर सकते हो वट एवर यू वॉन्ट जो आप चाहते हो आप उसे हासिल कर सकते हो इफ़ यू वर्क हार्ड अगर आप मेहनत करोगे। देखा मेहनत ही कामयाबी की चाबी है, ठीक है, अगर मेहनत नहीं तो कुछ भी नहीं है, हार नहीं माननी। इसलिए उसने कहा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आप हर चीज़ को हासिल कर लोगे। शी आस्क द यंग वो क्या कहती है कि वो अक्सर नौजवानों से कहती है स्पेशली खसूसन गर्ल्स लड़कियों को टू स्टे फोकस्ड एंड द ड्रीम बिग कि हमेशा क्या रहो यकसवार हो और हमेशा ख्वाब देखो, ठीक है, अपने मतलब फोकस करो चीज़ों पे। डैट इज़ द फिलोसफी ये फलसफा है शी फॉलोड एवर सिंस शी फेल इन लव विद द स्टार्स कह रही है ये एक फलसफा है जब वो सितारों की मोहब्बत में मुब्तला हुई थी इन अ वाइल्ड जो कि जंगली जो सहरान सुनसान थे जॉर्डन डेजर्ट जो उर्दनी सहरा थे ऐसी ना सहरा में बैठी लेटी तो सितारों से चांद से उसकी मोहब्बत डिवेलप होगी तो उसने ये पक्का किया तो वो एक ना एक दिन ज़रूर चांद पर वो जाएगी। इसी तरह आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।